ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 वर्सेज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और 498 क्रुएलिटी डोमेस्टिक वायलेंस। तो आपको कौन सा केस करना चाहिए? तो देखो 498 है ना, जो वो क्या करता है, वो आपको बदनाम करता है। ये मैं वाइफ की तरफ से बता रहा हूँ। सपोज आप एक वाइफ हो, आपके साथ छोटी मोटी मारपीट हो गई या फिर कुछ भी हो गया ऐसा, मतलब घर में कोई भी छोटा मोटा डिस्प्यूट हो गया और आपने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। ओके, आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस करते हो, फिर आप रेजिडेंशियल वो मांगते हो, परमानेंट रेजिडेंशियल मांगते हो कि भाई हमें घर में भी लिया जाए। तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि हमारे साथ मारपीट हो रही है, अरे बेटे, एक तरफ बोलते कि भाई मुझे फिर भी मुझे घर में रहना है। भाई आप एक रेजिडेंट वो लगाते हो कि भाई हमें रहना है, एप्लीकेशन लगाते हो कि भाई हस्बैंड के साथ रहना है या फिर मुझे वहाँ पे जगह दिलवाओ या फिर जो भी है, ठीक है। तो एक तरफ आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, एक तरफ आप रहना चाहते हो, तो कोर्ट ना खुद कन्फ्यूज हो जाती है। और कोर्ट को पता होता है यार 498 जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है ये सब झूठ है। ओके, सब पता होता है कोर्ट को। तभी जो प्रोसीडिंग होती है ना बड़ी हार्ड है, यानी बड़ी हार्ड है, वो बहुत धीरे धीरे एक्शन लेती है। आपने देखा होगा कभी डोमेस्टिक वायलेंस का केस इतनी जल्दी नहीं होता, वो पहले फॉर्म भरना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या, फिर उसकी विवेचना होती है, मेडिएशन होती है, सब बछड़े पड़ते हैं, तब जाके वो अप्लाई होता है। ओके, तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप सेक्शन 9 कीजिए। ओके, सेक्शन 9 क्यों कीजिए? सपोज आपका हस्बैंड आपको रखने के लिए तैयार नहीं है, तो सेक्शन 9 क्या करता है? सेक्शन 9 बना ही इस पर्पस के लिए, एडवेटिंग, तो सेक्शन 9 बना ही इस पर्पस के लिए कि अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अपनी फुलफिल नहीं कर रहा ड्यूटी रहने की या फिर जो भी है, तो उसको वो अप्लाई करवाता है। और सेक्शन जो 9 है वो सिविल मैटर है, और जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये क्रिमिनल मैटर है। क्रिमिनल मैटर बहुत लंबा चलता है, एडवोकेटिंग बहुत लंबा चलता है। पहली बात तो वो उसका ट्रायल ही स्टार्ट नहीं होता, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है तो वो लंबा चलता है। फिर आप खुद सोचो, एक तरफ आप उनको ट्रायल फेस करवा रहे हो, एडवोकेटिंग, फिर आप उनके साथ रहना चाह रहे हो। अगर आप सपोज आप क्या करते हो, अपने फैमिली के, अपने हस्बैंड की फैमिली के खिलाफ 498 और क्रुएल्टी डोमेस्टिक वायलेंस सारा कुछ कर देते हो, ठीक है, हस्बैंड और उनको पनिशमेंट भी हो गई, तो कल को आप उनके पास जाओगे तो वो क्या सोचेंगे? आर यू गेटिंग? तो वो क्या सोचेंगे, भाई इसने हमें जेल में भिजवाया, इसने हमें ये कराए, तो क्या आप समझ सकते हो वो रिलेशन कैसा रहेगा? तो वो खुद भी चाहेंगे कि भाई इसको अब घर से निकालो, या फिर उस ट्रीटमेंट उसको ऐसे करेंगे कि भाई ये, और देखो ये लाजमी भी है, अगर किसी के साथ कोई किसी को जेल भेजता है तो उसके बाद में उसके घर आए या फिर कुछ भी ऐसे हो तो वो ऐसे ही ट्रीट करेगा, सीधी बात है। तो आप क्या करो, आप सेक्शन 9 का डिफेंस लीजिए। अगर आपका हस्बैंड आपको लेने नहीं आता या फिर बाहर निकाल देता है या कुछ भी है, तो आप सेक्शन 9 कीजिए। इसमें बहुत ईजी प्रोसेस है, आपको एक लीगल नोटिस भिजवाना पड़ता है फर्स्ट। ओके, कोई पचड़ा नहीं है इतना जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में होता है, उसकी रिपोर्ट तैयार होगी, उसमें फिर इंक्वायरी होगी भाई ऐसा हुआ है, मेडिकल होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ नहीं है, ठीक है। आप सेक्शन 9 डालो, अगर आपको सेक्शन 9 आप में उसको लिखवाओ सेक्शन 9 में कि भाई मैं रहने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ ये कंडीशन है, ऐसा है, मुझे अपने पास रखे। और मुझे सेक्शन 9 का फ़ायदा ये है, जैसे आपके पास अगर आपके पास डिग्री पास हो गई ना, सपोज सेक्शन 9 की डिग्री पास हो गई कि आपको हस्बैंड के पास रहना है, तो कल को आपको हस्बैंड और उसकी फैमिली बिल्कुल नहीं निकाल सकती, क्यों? आपके पास डिग्री है, आपके पास डिग्री है। अगर निकालती है तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन लगा सकते हो या एग्जीक्यूशन की लगा सकते हो, भी हस्बैंड मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वीडियो का जो मॉरल वो ये है कि आप कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस और इस पचड़े में ना पड़े, आप सेक्शन 9 अप्लाई कीजिए। ओके, अब आप खुद सोचिए, एक तरफ आप डोमेस्टिक वायलेंस लगा रहे हो, फिर दूसरी तरफ आप रहना भी चाह रहे हो उनके पास, यानी कि कोर्ट को ये बात पता है कि भाई हर फैमिली में छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहते हैं, तभी वो डोमेस्टिक वायलेंस के केस हो इतनी जल्दी ट्रायल फेस नहीं करता, वो मेडिएशन में भेज देता है, वो सोचता है भाई निपटी जाए मामला, यानी कि लॉन्ग टर्म है, काफ़ी हरासमेंट है, मनी वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है दुनिया भर का। ओके, तो आप सेक्शन 9 अप्लाई कीजिए, और अगर छोटी मोटी लड़ाई होती है तो आप 100 नंबर पर कॉल करके रिलीफ ले सकते हो, अरगेटिंग, आप 100 नंबर पर कॉल करके डरा धमका सकते हो भाई, अगर सपोज हो भी जाती है तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने की क्या जरूरत है, एक बार जो थप्पा लग जाता है ना फिर लग ही जाता है। ओके, और इसका जो सबसे बुरा इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है हस्बैंड की फैमिली पे, रिगेटिंग, सपोज उनको बुलाया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है या फिर जो भी है, जैसा भी आपका केस है उस हिसाब से, फिर उनके माइंड में एक इमेज बन जाती है कि भाई इसने हमें ऐसे ऐसे किया, हमारी वाइफ मतलब हमारी बहू ने, तो अब हम इसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो ये लाजमी भी है, रिगेटिंग, वो लाजमी भी है, अगर कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो वो तो उसको पूछेगा थोड़ी, उसको भी फिर वैसे ही ट्रीट करेगा। सो आई होप यू गॉट इट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 कीजिए, बेस्ट रेमेडी, बेस्ट हस्बैंड वाइफ की बेस्ट रेमेडी। ओके, डोमेस्टिक वायलेंस को छोड़ो, 498 को छोड़ो। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर, बाय।